हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा और आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ये बताता है कि आपका डाटा एवरेज से कितना वेरी करता है। लो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि आपका डाटा मैक्सिमम डाटा एवरेज के पास है। हाई स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि आपका डाटा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी रियल डाटा में भी फार फ्रॉम द एवरेज डाटा। इसका मतलब ये भी है कि जिस चीज को आप एवरेज मान करके चल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में वो एवरेज वैल्यू ठीक हो। यानी ऐसा हो सकता है कि आपका जो डाटा है उसमें काफी सारी वेरिएशंस हो। फॉर एग्जांपल, ऐसा हो सकता है कि एक दिन सेल आपकी बहुत कम हुई और एक दिन क्योंकि बल्क में ऑर्डर आ गया तो इसलिए बहुत सारी सेल हो गई, जबकि एवरेज अगर हम निकालेंगे तो एवरेज जो आया होगा एक्चुअल में बाकी डेज में उतनी सेल नहीं है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें यह पता लगता है कि अगर आपका मैक्सिमम डाटा एवरेज के पास नहीं है तो इसका मतलब जिस चीज को हम मीन मान के चल रहे हैं, जिस चीज को हम एवरेज मान के चल रहे हैं, एक्चुअली दैट एवरेज इज नॉट ए गुड स्टैंडर्ड। चलिए अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डायग्राम के थ्रू किस तरीके से बना सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को डायग्राम पे दिखाने के लिए हम बेल कर्व या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यूज करते हैं। इसे बनाने के लिए क्या करते हैं, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है और सबसे मिड में आता है आपका क्या, मीन। इसके बाद जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू है आप इसमें से माइनस कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका इसकी लेफ्ट साइड, और वन स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें एड कर दीजिए, वो आ जाएगी आपकी राइट साइड। ये जो एरिया आया है आपका, ये 68% डाटा आपका कवर करता है। इसके बाद अगर इसमें से टू स्टैंडर्ड, किसमें से, मीन में से, अगर टू स्टैंडर्ड डेविएशन और लेस कर दें तो आपकी सेकंड बाउंड्री लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। इसी तरीके से अगर आप ऐड करेंगे टू स्टैंडर्ड डेविएशन तो राइट साइड पर एक और साइड आ जाएगी। अगर हम इस वाली साइड की बात करें तो ये जो डाटा है ये आपका 95% डाटा कवर करता है। इसी तरीके से अगर आप थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन मीन वैल्यू में से लेस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक साइड और आ जाएगी, और इसी तरीके से मीन वैल्यू में अगर थ्री स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड कर देंगे तो राइट साइड पर एक साइड आपकी और आ जाएगी। ये वाला जो एरिया है ये आपका 99.7% डाटा कवर करता है। इसके इसी रूल को कहा जाता है 68-95-99.7 रूल। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फायदा क्या है। एक फायदा तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इससे आपको पता लग जाता है कि जिस चीज को आप एवरेज मान रहे हैं क्या एक्चुअल में वो गुड स्टैंडर्ड है एवरेज मानने के लिए या नहीं, और इसके हेल्प से आप और भी बहुत सारी चीजें पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एवरेज टेस्ट टेकिंग टाइम जो है 70 मिनट है किसी टेस्ट का, और स्टैंडर्ड डेविएशन टाइम है 10 मिनट, और आपसे पूछा जाए व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट विल फिनिश द टेस्ट इन अंडर 50 मिनट, तो आप कैसे बताएंगे। अब देखिए, एवरेज टेस्ट टेकिंग टाइम कितना है, 70 मिनट, तो ये तो हमने रख लिया मीन में, राइट। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है हमारा, 10 मिनट, तो अगर मैं इसमें से 10 माइनस कर दूं तो ये कितना बन जाएगा, 60। इसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट विल फिनिश टेस्ट इन अंडर 50 मिनट्स। अब देखिए, अंडर 50 मिनट्स का मतलब है कि हमें ये निकालना है। अब हमें पता है कि इतना एरिया, ये एरिया है आपका 95%, तो यहां पर लेस करेंगे हम 95%, तो लेस करके कितना आ गया, अब हमारे पास आ गया ये 5%। अब 5% ये जो एरिया है सिर्फ ये नहीं है, इस साइड का भी है ये वाला, जबकि हमें कितना, कौन सा निकालना है, लेफ्ट साइड का, यानी डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, बेल कर्व जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ये कितना बन गया 2.5%, यानी आंसर आया 2.5% ऑफ स्टूडेंट विल फिनिश द टेस्ट इन अंडर 50 मिनट। आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विल फिनिश द टेस्ट इन ओवर 80 मिनट्स, अब बताइए आप क्या करेंगे। अब ओवर 80 मिनट्स निकालना है, यानी आपको ये वाला एरिया निकालना है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, और क्लियर हो सकता है अगर आप इसे प्रैक्टिकल करें। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।